नमस्कार, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ओल्ड एज में कोरोना क्यों ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कोरोना को हराने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर कोई भी बीमारी नहीं है तो यह एक बड़ा प्लस पॉइंट है। बीमारी होने से कुछ इम्यूनिटी बीमारी से लड़ने के लिए डाइवर्ट हो जाती है और कोरोना से लड़ने के लिए फाइटिंग कैपेसिटी उतनी ही कम हो जाती है। जितनी बड़ी बीमारी होगी या जितनी ज़्यादा प्रकार की बीमारियां होंगी, ओल्ड एज में कोरोना होने पर उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। यह सर्वविदित है कि ओल्ड एज में सब बॉडी के सिस्टम धीरे धीरे काम कम करने लगते हैं, जैसे मेमोरी, ईयर्स, आईज, टीथ, ज्वाइंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट आदि। इसी प्रकार कोरोना इन्फेक्शन होने पर बॉडी प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड नहीं करता है। स्लो रिस्पॉन्स होने से बीमारी को ज़्यादा बढ़ने का मौका मिल जाता है और मुसीबत खड़ी होने की चांसेस भी बढ़ जाती हैं। अगर कोरोना काल में भी हम स्मोकिंग या अल्कोहल नहीं छोड़ते हैं तो हार्ट, लीवर, लंग्स और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और कोरोना के अगेंस्ट में जीत या विन धूमिल होने लगती है। ओल्ड एज में ब्लड की मात्रा भी शरीर में सामान्यतः कम होती है। कोरोना के अगेंस्ट में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स आदि ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। इस एनीमिया का खामियाजा हमें भोगना पड़ता है। इस विषय पर इस कोरोना काल में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और समय रहते जो भी बीमारियां हैं उनको कंट्रोल में रखें। इन जानकारियों के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर वन, ओल्ड एज में भरपूर चेष्टा करें कि इन्फेक्शन न हो। नंबर टू, स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल छोड़ दें। नंबर थ्री, अनीमिया की तरफ ध्यान दें। नंबर फोर, अगर पहले से कोई बीमारी है तो उसका समुचित ध्यान दें। अभी के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।